बलिया में NH-31 के किनारे पेड़ काटने के दौरान एक रिहायशी मकान पर गिरा, दो महिलाएं घायल। बता दें कि बलिया शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जलालपुर गांव में गुरुवार की दोपहर NH-31 के किनारे विशालकाय पेड़ काटने के दौरान टूटकर एक मकान पर गिर गया, जिससे दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। आनन फानन में परिजनों व आसपास के लोगों ने दोनों महिलाओं को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज चल रहा है। घायलों का नाम पूनम राय उम्र 38 वर्ष और बबीता राय उम्र 37 वर्ष है। उधर घटना के बाद परिजनों के द्वारा बिना सेफ्टी पेड़ काटने का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया गया। इसको देखते ही मौके पर सदर SDM आत्रेय मिश्रा व कोतवाल संजय सिंह ने परिजनों को समझाया। बता दें कि NH-31 पर चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके मद्देनजर सड़क किनारे लगे पेड़ों की कटाई की जा रही है। इसी बीच गुरुवार की दोपहर पेड़ काटते समय पेड़ एक मकान पर गिर गया, जिसमें दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। ये तस्वीरें हम आपको बलिया NH-31 स्थित जलालपुर गांव के समीप दिखा रहे हैं, जहां पर लापरवाहीपूर्ण पेड़ काटने के वजह से रिहायशी मकान पर पेड़ गिर गया, जिससे मकान में दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर समुचित इलाज चल रहा है। घायलों की जानकारी लेने आत्रेय मिश्रा जिला अस्पताल पहुंच चुके हैं। हम जी के का करब, हम ही दबा गो रही थी। आय आय, का नाम पड़ी आपको? हमन दुर्गावती रा। घायल हुई, उनका क्या नाम है? के भाई बाबू परिवार में? हाँ, एक जानी के बबीता, बबीता या पूनम। ये लोग छत पर थी ऊपर? हाँ। पेड़ जिस समय गिरा उस समय लोग कहाँ थे? हम कहा हो देखी ना, वही बेरो लिए सब घरवा में रूम में ले दे ले, वो हदसा लत ढो ही ना आधा घरवा ले ले। पेड़ गिरने से पहले कोई आपको हटने के लिए नहीं बताया? कुछ ना ना भेज के तो हम हेजे तो मानी तो हम सबके हटा दी। ठीका ले सड़क बनता आ कहे के न चाहिए कि घर वाला हट जाओ। हम रोड पर बैठ के रोड वाला लोग के हटावत नहीं है जा आ तनी के नेखा से बोलत कीजिए जेने बात ने हट जाओ। आ अरे पांच पांच फीट के घेरा बनावेल से जो सड़क चौड़ीकरण हो रहा था नेशनल हाईवे, आप मौके पर भी गए थे, वहां पर पेड़ को काटने के बाद से दो महिलाएं घायल हैं जो इस ट्रामा सेंटर में एडमिट है। वो पूरी घटना क्या है? वो घटना है कि अब PWD के ठेकेदार के द्वारा वहाँ पर वो कराया जा रहा था, कार्य कराया जा रहा था, उससे कि एक पेड़ गिर गया है और उसमें अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी यहाँ देखे गए थे और मैं भी अभी आया हूँ देखे गए। तो सर, क्या यह ज्ञात है कि उस पेड़ को काटने के लिए वन विभाग से अनुमति ली गई थी? अगर ली गई थी तो वन निगम काट रहा था या अननोन लोग काट रहे थे? अभी इसमें जांच चल रही है, जांच हो जाए एक बार तो इतना कुछ बता पाऊंगा। सर, इन घायल महिलाओं के प्रति जिला प्रशासन किस तरह से कार्य कर रहा है? देखिए, हम लोग पूरी तरह संवेदनशील हैं तथा इसमें हम लोग नियमित रूप से देख भी रहे हैं कि जैसे हम लोग जितनी मदद आर्थिक मदद कर सकते हैं उतनी पूरी मदद हम लोग करेंगे। धन्यवाद।